दोस्तों ऑनली 17,000 में खरीदें जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाँ दोस्तों, हाँ नई न्यूज एंड अपडेट निकलकर सामने आई है, तो बताने वाले हैं कि दोस्तों क्या होने वाला है। दोस्तों बता दें कि ऑटो मार्केट में जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर काफी बड़ी खबर सामने निकलकर दोस्तों आ रही है, और मीडिया में काफी खबरें सामने निकलकर ये भी आ रही हैं दोस्तों कि मुकेश अंबानी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही दोस्तों अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, और सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर उनकी होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितने दोस्तों इसमें सच है और कितना झूठ, तो हर सवाल का जवाब है आज की इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एसके टेक फाइव। तो ब्रांड एमएस टाइप शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सोशल मीडिया में फैल रही खबरों के मुताबिक आज हम आपको बता दें कि जियो स्कूटी को मुकेश अंबानी की कंपनी लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों इस स्कूटी को सभी तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों डिजाइन किया गया है आने वाली बजट रेंज में। तो दोस्तों फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है कि किस फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में कदम रखने वाली है। अगर फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों बता दें कि वायरल न्यूज़ के अकॉर्डिंग जियो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पे आपको 75 किलोमीटर तक की रेंज देने की पावर रखता है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको क्लाउड कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को इलेक्ट्रिक स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में फीचर्स है, लेकिन बढ़िया इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इसमें दोस्तों आपको रिन्यूएबल लिथियम आयन बैटरी आपका ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बताते हैं कि भारत में स्कूटर की शुरुआती कीमत तकरीबन 17,000 रुपये होने वाली है, लेकिन कैसे होने वाली है दोस्तों बड़ा ही कन्फ्यूजन है। और सीरियसली मैं तो सोचकर कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि 17,000 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर। बुकिंग भी आप दोस्तों बिल्कुल मुफ्त होगी और आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है बुकिंग के लिए, ये भी बढ़िया है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 10 बेस्ट कलर का ऑप्शन भी मिलता है। दोस्तों इस जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं। जो पहला वेरिएंट आता है जियो आर और दूसरा वेरिएंट होने वाला है जियो आर प्रो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट या डाउन पेमेंट की बात करें तो क्या रहने वाला है। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कूपन नंबर दिया जाएगा। इस कूपन नंबर को लेकर आप अपने नजदीकी जियो स्टोर पर जाना होगा, फिर आपका ऑर्डर कन्फर्म किया जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है, मतलब ये ऑब्वियसली टोटली फ्री है बिल्कुल। दोस्तों ये तो थी वो वायरल न्यूज़ जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत बुरी तरीके से खबरों में फैल रही है, लेकिन इसमें कितना सच है कितना झूठ है तो अब एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों इसकी खबरों से बारीकी की जांच करने के बाद कोई नतीजा सामने निकल कर आया है दोस्तों कि ये सभी जो खबरें सोशल मीडिया पर जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों मतलब टोटली मतलब एक फेक वीडियो एक फेक न्यूज़ तैयार करके मतलब एवं ही वायरल कर दी, और इसका सच्चाई से दोस्तों कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक टूट गया ना दोस्तों 17,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही गया सपना कहाँ यार, 17,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाला है, चलिए आगे जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक ये भी बताया गया एक्सपर्ट के कि किसी भी तरीके का आपके पास कोई मैसेज या कुछ भी आता है कि जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर इस प्राइस पे मिल रहा है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इससे आप बहुत सेफ रहिएगा क्योंकि ये न्यूज़ एक टोटली फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने में हेल्प मिली होगी। मिली है तो यार जल्दी इस वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, बढ़ा दो सब्सक्राइबर जल्दी से, 1,000 सब्सक्राइबर करा दो यार जल्दी से, एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।